हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स दूंगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और इस ट्रिक्स एंड इस कंसेप्ट से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड करेक्टली भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो या प्रेशर हो या मास हो या मोल्स हो, जो भी वेरिएबल हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जितने भी हैं, ध्यान दें, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टाइम के साथ वेरिएशन स्टॉप हो गया है तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, राइट? इसलिए ग्राफ से भी समझते हैं। पॉइंट नंबर टू में ये जो इस टाइप से है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स बाई वॉल्यूम, डेट इज नथिंग बट मोलारिटी। जरूरी नहीं है कि आप कंसंट्रेशन ही लो, प्रेशर ले सकते हैं, मास ले सकते हैं, मोल्स ले सकते हैं, बट हम कंसंट्रेशन एंड प्रेशर में डील करेंगे इस चैप्टर में, राइट? तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, चूँकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होंगे तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ध्यान से देखो, ये एक टाइम है, इस टाइम के बाद दोनों का वेरिएशन क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। डैट मीन्स अगर इस टाइम के बाद मैं कहीं पर भी जाऊँ तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम आ रहा है जो पहले था, राइट? तो टाइम के साथ अगर कंसंट्रेशन का वेरिएशन नहीं हो रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, अगेन टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, बट टाइम के साथ वेरिएशन, एक टाइम के बाद वेरिएशन रुक जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। तो बच्चे जो गलत सेंस ले लेते हैं इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इक्वल हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टोइकोमेट्री पे, राइट? इसीलिए कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल, वो तो डिपेंड करेगा स्टोइकोमेट्री पे, बट द कंडीशन इज कि टाइम के साथ ये सब अब वेरी होना बंद हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है, और उस टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे, उस कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या प्रेशर को इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? इसीलिए इक्विलिब्रियम पे हम ये कह सकते हैं कि जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन की, वही रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन की, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही होती हैं, जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कभी भी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन हो रही होती हैं, बट जिस रेट से वो आगे जा रही होती हैं उसी रेट से पीछे आ रही होती हैं, इसलिए हमें चेंज नहीं दिखता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट? और इसलिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो ये एक रिएक्शन है हमारे पास, 2A प्लस 3B गिव्स यू 4C प्लस 5D, ये इन जनरल एक रिएक्शन लिया, तो अगर मैं इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट लिखूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? सम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका कंसंट्रेशन, और पावर में उसका स्टोइकोमेट्री चला जाएगा, पावर में उसका स्टोइकोमेट्री, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट हो गए। वैसे ही बैकवर्ड का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और जो प्रोडक्ट होंगे वो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रहेगा और पावर में स्टोइकोमेट्री चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इन जनरल वी कैन से जो फॉरवर्ड रेट होगी वो रेट कांस्टेंट, और जो भी रिएक्टेंट होंगे उसके कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्री, और बैकवर्ड रेट में रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का और प्रोडक्ट की पावर स्टोइकोमेट्री, राइट? अगर सारे होमोजीनियस हैं तो सब आएंगे, हेटरोजीनियस में सिर्फ गैस वाला आएगा, और अगर गैस नहीं है तब लिक्विड आएंगे, राइट? तो वो पॉइंट भी हम आगे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है एक पॉइंट, कि इक्विलिब्रियम की बात आप तभी कर सकते हो जब आपका कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर मेरा कंटेनर क्लोज है तभी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम, राइट? नाउ कोई भी रिएक्शन अगर हमें गिवन हो तो उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो। आप इसको तीन टर्म में बता सकते हो, कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं ए का कंसंट्रेशन निकालूं तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। वैसे ही पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे क्या मतलब है? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, राइट? डैट मीन्स पार्शियल प्रेशर मतलब उस गैस का खुद का प्रेशर, राइट? वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? उसके मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये सभी को मालूम रहता है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी बता रहा है कि
कंसंट्रेशन के टर्म में। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके कंसंट्रेशन को पावर स्टॉइकोमेट्रिक कर देना है, और ये सब प्रोडक्ट में रहेंगे, डैट मीन्स इनटू में रहेंगे, एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है तो। वैसे ही नीचे में रिएक्टेंट सारे रहेंगे, और हर रिएक्टेंट पे पावर उसका स्टॉइकोमेट्रिक रहेगा, और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो अगेन इनटू में चलेगा, मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। सेम वैसे ही अगर मुझे केपी लिखना हो तो ऊपर में अगेन जो प्रेशर होगा वो प्रोडक्ट का होगा, और पावर में उसका स्टॉइकोमेट्री रहेगा, नीचे में रिएक्टेंट होंगे, पावर स्टॉइकोमेट्री सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर आ जाएंगे, और इसलिए इसको केपी बोलेंगे। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पी बता रहा है कि प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, सी बता रहा है कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स बता रहा है मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहे हैं। तो अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टॉइकोमेट्री, मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टॉइकोमेट्री, राइट। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिया है, ध्यान से देखो, ये है। अगर रिएक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो सबको क्या मानना है, गैस फेज में। और इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, वो ऑलवेज डबल एरो से दिखाया जाएगा, राइट। सेकेंड थिंग, इसमें ऑलवेज एक बैलेंस रिएक्शन गिवन होगी, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एक ये रिएक्शन लिया, और यहाँ पे ये जो ऐसे लिख करके दिखाया, इसका मतलब है ये सॉलिड है, जी फॉर गैस, यहाँ पे एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, या ए क्यू लिखा हो तो उसका मतलब एक्वस, राइट। तो आपको अगर कुछ नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताया तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे, गैस, और अगर बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर रिएक्शन वन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे NH3 एक प्रोडक्ट है, तो NH3 का कंसंट्रेशन और ये स्टॉइकोमेट्री पावर में आ गया। अब चूंकि और प्रोडक्ट नहीं है, अगर और प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे आता इनटू फिर उसका कंसंट्रेशन टू द पावर स्टॉइकोमेट्री। उसके बाद प्रोडक्ट खत्म हो गया तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, N2, तो N2 का कंसंट्रेशन, चूंकि इसका नंबर वन है तो पावर वन, इसलिए हमने नहीं दिखाया। और कौन है, H2 भी एक राइट रिएक्टेंट में, तो इसलिए कंसंट्रेशन H2 और पावर क्या आ गया, 3। ध्यान से देखो, दोनों में बीच में क्या, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। और अगर रिएक्टेंट होता तो और इनटू उसका कंसंट्रेशन टू द पावर स्टॉइकोमेट्री, तो प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे समझाया, क्लियर है पॉइंट। वैसे ही अगर मैं इस रिएक्शन का केपी लिखना चाहूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएंगे, प्रेशर ऑफ NH3 हो जाएगा पावर स्टॉइकोमेट्री, वैसे ही प्रेशर ऑफ N2 पावर 1 स्टॉइकोमेट्री, प्रेशर ऑफ H2 पावर 3 स्टॉइकोमेट्री। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो उसमें भी चेंजेस नहीं होंगे, मोल फ्रैक्शन NH3 पावर 2, मोल फ्रैक्शन N2, मोल फ्रैक्शन H2 पावर 3। प्रोडक्ट ऑलवेज ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेंगे, पावर में स्टॉइकोमेट्री चला जाएगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो इनटू करते जाना है, मल्टीप्लाई, और रिएक्टेंट में भी अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो इनटू करते जाना है, राइट। तो ये हो गया। दूसरी रिएक्शन का अगर मैं लिखूं तो चूंकि ये एक तरह से क्या है, हेटरोजीनियस है, इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, और इस पॉइंट पे ध्यान देना। अगर होमोजीनियस होगा, डैट मीन्स इस केस में सारे सेम फेज में था, सब गैस में है, सब लिक्विड में है, तो इन दैट केस सारे के सारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आपको दिखेंगे, सबको आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हेटरोजीनियस है, डैट मीन्स कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में, अगर डिफरेंट फेज में, तो सबसे पहले आपको गैस को लेना है। अगर उसमें कोई भी एक गैस प्रेजेंट है तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन में आएगा, बाकी को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि लिक्विड या सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे मेरे हाथ में ये है, इस पर मैं कितना ही प्रेशर लगा लूँ, इसके वॉल्यूम में या इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए हेटरोजीनियस में गैस को प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारी रिएक्शन में गैस है ही नहीं, तब हम लिक्विड को प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल, ये प्रॉब्लम नंबर 2 एक तरीके से, राइट। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का केस ही लिखना होगा तो प्रोडक्ट में सॉलिड है, नहीं लेंगे, राइट। तो नहीं लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, फिक्स है 1। सॉलिड का 1 ले लेते हैं या लिक्विड का 1 ले लेते हैं, राइट। तो 1। अब प्रोडक्ट में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में ये सॉलिड है तो इसका भी 1 तो नहीं आएगा, ये गैस है ये आएगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हेटरोजीनियस होगा, डिफरेंट फेज होंगे अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो आपके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में सबसे पहले गैस वाला अगर कोई है तो वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, सॉलिड सब खत्म हो गया, सिर्फ गैस वाला ही इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में दिखेगा। अगर बाय द वे इसमें गैस भी नहीं होता, लिक्विड होता, तो फिर लिक्विड वाला सिर्फ आता, राइट। सिमिलरली केपी लिखेंगे तो 1 बाय प्रेशर ऑफ CO2 पावर 1, क्यों? क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। और मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है तो 1 बाय
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो ये पॉइंट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन दे दे बेटा, इससे इजी कुछ नहीं है। कोई भी रिएक्शन दे दे, आप क्विकली उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हो तीनों ही टर्म्स में। नाउ इक्विलिब्रियम रिलेशन, डैट मीन्स KC, KP और KX में रिलेशन क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, मैंने सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यू नो PV इक्वल टू NRT होता है। अगर मैं प्रेशर ऑफ ए लिखूँ तो ए मोल्स ऑफ ए हो जाएगा वॉल्यूम वी बाय RT, और मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू RT। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया कंसंट्रेशन इंटू RT, तो ये काम आएगा। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर होता है, राइट। तो ये सभी जानते हैं। तो मैंने एक रिएक्शन लिखा है, राइट, N2 3H2 गिव्स यू 2NH3 और ये इक्विलिब्रियम का साइन है, राइट। तो इसका अगर मैं KC लिखूं तो अभी बताया कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3, ये KC हो जाएगा। KP लिखूंगा तो प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 की पावर 3। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं KP को ऐसे लिख रहा हूं तो अगर कंसंट्रेशन में, तो यहां से कन्वर्ट कर सकता हूं प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT, तो मैंने वही पुट कर दिया प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर और RT का स्क्वायर, राइट। और नीचे में भी पुट कर दिया, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 क्या हो गया एक्चुअली में KC हो गया, राइट। तो मैंने वो पुट कर दिया KC, और यहाँ से ध्यान से देखो RT की पावर ऊपर में 2 है नीचे में 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो -2 KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर -2 आ गया, राइट। तो सिमिलरली KX का भी ध्यान से देखो KX को कैसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 को क्या लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ NH3 बाई PT, तो उसको वही मैंने पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया ध्यान से देखो KP इंटू PT की पावर 2 आ चुका है। KX इज इक्वल टू KP इंटू PT की पावर 2। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, ये 99% केस में यही यूज होता है। KP इज इक्वल टू ध्यान से देखो KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG, क्योंकि ये तो एक फिक्स रिएक्शन के लिए हमने लिया। इन जनरल कोई भी रिएक्शन हो तो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। तो ध्यान से देखो KP का मतलब क्या है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये K इंटू P नहीं है, और वैसे ही KC का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये K इंटू C नहीं है। तो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG, याद कैसे रखेंगे ध्यान से देखो प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT, जस्ट ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT, कभी कन्फ्यूजन हो तो, इसलिए KP, राइट, K इंटू P नहीं है, जस्ट वो रिलेट किया है KC, राइट, RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे अभी बात करता हूँ। वैसे ही KP इज इक्वल टू KX, डैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा NG। नाउ डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल है, जितने भी प्रोडक्ट में होंगे गैस वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको ऐड कर लेना है माइनस रिएक्टेंट में जितने भी गैस वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ऐड करके माइनस कर देना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है गैस, यहाँ पे ये जी लगाने का मतलब है कि गैस का लेना है, डेल्टा एन मतलब चेंज इन स्टोइकोमेट्री। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इस केस में ध्यान से देखो डेल्टा NG कैसे निकलेगा, अगर मुझे डेल्टा NG निकालना हो तो ये देखो कुछ नहीं मेंशन है तो सब गैस है, राइट। तो प्रोडक्ट का लेना है स्टोइकोमेट्री 2 माइनस रिएक्टेंट में ये 3 और ये 1 4, 2 माइनस 4 कितना हो गया -2, जिस साइन के साथ है वही, तो ध्यान से देखो इसलिए ये -2 हुआ था, राइट। जैसे इस रिएक्शन में अगर मुझे निकालना हो तो ध्यान से देखो ये सॉलिड है तो इसका कुछ नहीं लेना है, गैस है इसका लेना पड़ेगा, ये गैस है लेना पड़ेगा, ये लिक्विड है इसका कुछ नहीं लेना है। तो इसका डेल्टा NG अगर आपसे कोई पूछ लिया तो वेरी सिंपल, पहले प्रोडक्ट में तो इसका कुछ नहीं लेना है तो इसका सिर्फ 2 होगा, प्रोडक्ट का सब हो गया ऐड करके तो उसका माइनस, उसके बाद रिएक्टेंट का, तो ये गैस है तो ये 3, ये सॉलिड है नहीं लेना है, तो 2 - 3 कितना हो गया -1, राइट। तो इस टाइप से करना, जो साइन के साथ है वही पुट कर देना है पावर में, राइट। सिमिलरली मान लो इस केस में अगर मुझे डेल्टा NG निकालना हो तो ध्यान से देखो सॉलिड है प्रोडक्ट में कुछ नहीं लेंगे तो कुछ नहीं है इधर प्रोडक्ट में तो मतलब 0, राइट। माइनस रिएक्टेंट में जाओ तो ये सॉलिड है नहीं लेंगे, गैस का है, और इधर स्टोइकोमेट्री कितना है 1, ध्यान रहे स्टोइकोमेट्री लेना है तो ये 1, तो ये भी बाय द वे कितना आ रहा है -1।
तो आई होप डेल्टा एनजी लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी स्टॉकोमेट्री प्रोडक्ट के होंगे गैस वाले उन सबको ऐड कर लेना है, और वैसे ही जो भी स्टॉकोमेट्री रिएक्टेंट के होंगे गैस वाले उन सबको ऐड कर लेना है और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना, वो डेल्टा एनजी हो जाएगा। वो पावर में चला देना तो के पी के सी में रिलेशन हो जाएगा या के पी के एक्स में। इस पर बेस्ट प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। नाउ नेक्स्ट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ए गिव्स यू बी प्लस सी है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ प्लस दिखते हैं तो यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं। बेटा यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे इनटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये ध्यान रखना राइट। वैसे अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ तो रिवर्स कर दूंगा तो ये लिखूंगा, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के डैश सी मानो तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू सी राइट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है कि जो रिएक्शन को आपने रिवर्स किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो गया, इनवर्स हो गया है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, कभी भी अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहले वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको इनवर्स कर देना है, वन बाय में कर देना राइट। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर ए गिव्स यू बी प्लस सी तो इसका के सी आपको मालूम है। अगर इस रिएक्शन में मैंने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या 1/2, 1/3 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा, तो ध्यान से देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा, और इसमें इसमें क्या रिलेशन हो रहा है कि जो न्यू रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुरानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर में हो गया। तो वही मैंने पॉइंट लिखा है कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर पावर में चला जाएगा, पुराने वाले के पावर कर देना है। तो और तीसरा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो मेरे पास ये दो रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 आपको गिवन होगा, तो एक तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो ध्यान से देखो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो B से B, C से C कैंसिल हो जाएंगे तो A गिव्स यू P हो जाएगा राइट। ऑलवेज इक्वल साइन इसको मानना है, अपोजिट साइड में कैंसिल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर आपने रिएक्शन को ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना, और आप ये चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ऐड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तीनों पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये रिएक्शन गिवेन है आपको, के पी आपको गिवेन है एट 27 डिग्री सेल्सियस और 180 प्रेशर, तो के सी बताना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है के पी के सी का रिलेशन, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो जाएगा राइट। और डेल्टा एन जी अगर इसका ध्यान से देखो तो हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 1 है राइट, माइनस ये 1, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -1/2। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है कि टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में पुट करना है, और केल्विन में पुट करना है तो ये 300 केल्विन होगा, और R की वैल्यू चूँकि प्रेशर आपका ATM में है, वॉल्यूम लीटर में होगा क्योंकि कंसंट्रेशन की बात करें तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो इसलिए R की वैल्यू 0.08 लेना है, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/12। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, KP आपको गिवन है 2 × 10^12, KC निकालना है, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर आपका 300 है और इसकी पावर -1/2 है, तो यहाँ से हमें KC आ जाएगा, ये नीचे में रहेगा तो इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 × इसको कैंसिल करोगे तो 25 का रूट हो गया 5, तो 2 × 5 × 10^12 राइट, तो ये कितना हो जाएगा 10^13, तो ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो डेल्टा एन जी चूँकि नेगेटिव है इसलिए हमारा के सी क्या होगा, बड़ा होगा के पी से, और वो ध्यान से देखो तो आया भी है क्योंकि के सी 10^13 है जबकि ये 2 × 10^12 ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सब रिएक्शन दे दिया है, K1, K2, K3 दे दिया है, और आपसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए और किस साइड चाहिए, NO राइट साइड में चाहिए, वो इधर ही है, H2O राइट साइड में चाहिए, बट इसका कोफिशियंट 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर में हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10^-39, ये ध्यान रखना है। NH3 मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए जबकि इधर राइट साइड में, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रिवर्स करेंगे तो 1/4 × 10^5 राइट, ये हो जाएगा। चूंकि इन सबको ऐड कर रहे हैं तो K क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लीकेशन, तो 1/4 × 10^5 राइट, इंटू ये K2 आपका 1.6 × 10^12 और इंटू ये 10^-39
9, राइट। तो ये 5 और ऊपर चला जाएगा तो 39, 44 हो जाएंगे, जिसमें से 12 गया तो 32, और ये 10 इसका नीचे, और ये 4 से 4 द 16। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, तो सिर्फ 4 बचेगा इंटू 10 की पावर में माइनस में आपका हो जाएगा 33। तो योर आंसर विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 33। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप से रिएक्शन दे दिया आपको, Kp4 है तो प्रेशर ऑफ O2 बताना है। तो ध्यान से देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो Kp क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो, तो प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ ओनली। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, Kp का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2, और यही हमें निकालना था। Kp गिवन था आपको 4, तो प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, डेट इज 16। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में अगर इस रिएक्शन का Kc गिवन है तो इस रिएक्शन का, तो ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है और हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो रिवर्स किया गया है तो 1/64 और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। इस टाइप से आपको क्विकली करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो पूछा जा रहा है रिलेशन। तो ध्यान से देखो, तो मैं अगर डेल्टा एन जी निकालूँ तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, सिर्फ इधर एक ही गैस है, राइट, स्टॉइकोमेट्री 1 माइनस, इधर में ये गैस है और स्टॉइकोमेट्री 3/2, तो ये कितना आ गया, माइनस में हाफ। चूँकि डेल्टा एन जी निगेटिव है इसलिए Kc बड़ा होगा Kp से, क्यों, क्योंकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी, राइट। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता तो Kp Kc इंटू सब मल्टीप्लीकेशन होता, इसलिए Kp बड़ा होता, चूँकि डेल्टा एन जी निगेटिव है तो इसलिए Kc बड़ा होगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो Kp Kc के बराबर है, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो Kp बड़ा है Kc से, और डेल्टा एन जी अगर निगेटिव है तो Kp छोटा होगा Kc से। इस पर बेस बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत ईजी होते हैं, पूछे गए हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में हो Kc, या प्रेशर के टर्म में हो Kp, या मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो Kx, ये तीनों चीज़ तभी चेंज हो सकती है जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, या फिर रिएक्शन को ही चेंज कर दिए, डैट मीन्स स्टॉइकोमेट्री चेंज कर दिए, तभी ये चेंज होंगे। भगवान ने इसको वरदान दे रखा है, तभी चेंज होना जब टेम्परेचर चेंज किया जाए या फिर स्टॉइकोमेट्री को चेंज किया जाए, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, राइट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए 10 है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को मान लेता हूँ कि मैं 300 केल्विन पे करा रहा था तो 10 है, अब मान लो मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, 300 के अलावा कोई और टेम्परेचर है, तो फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अब Kc आपका 10 नहीं रहेगा, Kc चेंज हो जाएगा, या Kp या Kx वो चेंज हो जाएंगे। वैसे स्टॉइकोमेट्री चेंज किया तो, जैसे इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया तो अब स्टॉइकोमेट्री चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, स्टॉइकोमेट्री चेंज किया तो अगेन अब Kc आपका 10 नहीं रहेगा, चेंज हो गया होगा, और वो क्या होगा मैं आपको बता रखा हूँ। बट द थिंग इज कि अगर मैंने प्रेशर चेंज कर दिया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, राइट, या वॉल्यूम चेंज कर दिया कंटेनर का, या फिर कंसंट्रेशन चेंज कर दे रहा हूँ, या मास चेंज कर दिया किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, ये सब कुछ भी चेंज कर लो, राइट, कैटलिस्ट आपने ऐड कर दिया, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन सब केस में Kc 10 ही रहेगा। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझना कि आपका ये वाला पार्ट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज करोगे या स्टॉइकोमेट्री चेंज करोगे, अदरवाइज कुछ भी कर लो वही रहने वाला है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।